मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज 15 सितंबर। सब्जेक्ट कंप्यूटर। कंप्यूटर में आज हम क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। मैंने अभी आपको बोला कंप्यूटर जो है आज के टाइम का बहुत ही यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है। ओके, तो कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है? सबसे पहले तो हम कंप्यूटर की स्पेलिंग लर्न करेंगे। ओके, कंप्यूटर की स्पेलिंग COMPUTER। कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर की स्पेलिंग क्या है? COMPUTER। कंप्यूटर। COMPUTER। कंप्यूटर। COMPUTER। कंप्यूटर। COMPUTER। कंप्यूटर। COMPUTER। कंप्यूटर। ओके, तो सबसे पहले हम उसकी स्पेलिंग लर्न करेंगे कंप्यूटर की, COMPUTER। कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है वो एक मशीन होता है, जैसे हम घर में और भी मशीनें यूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, कोई मसाला पीसना होता है, जूस बनाना होता है तो मिक्सर यूज़ करते हैं, उसी तरह आज के टाइम में हमको कोई भी काम करना, अपना पेपर वर्क करना है या कोई भी चीज़ हमको सेव करके रखनी है, कोई भी हमको एग्ज़ाम पेपर है, वर्कशीट है, कुछ भी हम अपना इसमें कंप्यूटर में टाइप करके उसको सेव करके डॉक्यूमेंट्स में सेव करके रख सकते हैं। ओके, तो कंप्यूटर इज अ मशीन मशीन इज ए मैन मेड थिंग। कंप्यूटर जो होता है वो क्या है? एक मशीन है जो मैन मेड थिंग्स, मतलब जो मैन ने बनाई है। ओके, तो कंप्यूटर इज ए मशीन। ए मशीन इज मेड मैन मेड थिंग्स। हम डिफाइन करते हैं, स्पेलिंग याद है आपको? कंप्यूटर ए कंप्यूटर इज ए मशीन। ए कंप्यूटर इज ए मशीन। ओके, ए मशीन इज ए मशीन इज ए मैन जो मैन ने बनाया है उसको हम बोलते हैं मैन मेड थिंग्स, जो मैन ने बनाया है। तो ए कंप्यूटर इज ए मशीन। कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है। कंप्यूटर इज ए मशीन। ए मशीन इज ए मैन मेड थिंग्स। और मशीन जो होती है वो कैसी थिंग है? मैन मेड थिंग्स, मैन ने बनाई है। ओके, तो ये डिफाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकती है कि ए डैश इज ए मशीन, तो आप ब्रैकेट में आपको दे सकते हैं, कंप्यूटर दे सकते हैं या टीवी दे सकते हैं, तो आप क्या लिखोगे? कंप्यूटर इज ए मशीन और ए मशीन इज ए मैन मेड थिंग्स। कंप्यूटर क्या है? मैन मेड थिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट आता है उसके पार्ट्स। पहले हम पार्ट्स कर लेते हैं, उसके बाद हम और चीज करते हैं। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, फिर मैन मेड और नेचुरल थिंग्स करेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर।
पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर के कितने पार्ट होते हैं? तो सबसे पहला पार्ट होता है, द मेन पार्ट्स ऑफ योर कंप्यूटर आर द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कंप्यूटर आर द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर सबसे पहले आता है मॉनिटर। इसकी पहले हम स्पेलिंग याद करेंगे और इसकी डिफाइन याद करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा क्या आया है, मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो एक स्क्रीन की तरह होता है, जो किसकी तरह दिखता है, टीवी की तरह दिखता है, लुक लाइक टीवी मॉनिटर। मॉनिटर की स्पेलिंग याद करेंगे पहले एम ओ, और से में लिखेंगे एम ओ एम ओ एन आई आई टी ओ आर मॉनिटर, एम ओ एन आई टी ओ आर मॉनिटर, एम ओ एन आई टी ओ आर मॉनिटर, एम ओ एन आई टी ओ आर मॉनिटर। ओके, मॉनिटर की स्पेलिंग क्या हुई, एम ओ एन आई टी ओ आर मॉनिटर, एम ओ एन आई टी ओ आर मॉनिटर। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में, अगर आपके पास बुक नहीं है तो नीचे आप पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखिए, ऊपर नोटबुक में पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखिए कि कंप्यूटर में कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको डिफाइन कराया कि कंप्यूटर इज अ मशीन, ए मशीन इज मेन मेड थिंग्स। ठीक है, तो आप पहले डिफाइन करिए उसको, उसके बाद उसका पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर मॉनिटर। क्या आएगा, मॉनिटर। मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर लाइक ए टीवी स्क्रीन। मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह रहता है,
इट शोज व्हाट एवर यू राइट यूजिंग द कीबोर्ड. इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं कीबोर्ड का यूज करके. इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं कीबोर्ड का यूज करके. क्या लिखा है इसमें? इट शोज, एक सेंटेंस हो गया इसमें. इट शोज व्हाट एवर यू राइट व्हाट एवर यू राइट Whatever you write using the keyboard. Keyboard का यूज करके आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे मुझे कंप्यूटर के अंदर अल्फाबेट्स A टू Z लिखना है तो मैं किसका यूज करूंगी? कीबोर्ड को. कीबोर्ड का A B C D E F दबाऊंगी तो किसमें आ जाएगा? कौन सी स्क्रीन में आ जाएगा? टीवी स्क्रीन में आ जाएगा. ABC टीवी स्क्रीन में आएगा. और सबसे पहले हमको क्या करना होगा? CPU को ऑन करना पड़ेगा क्योंकि CPU जो होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है. सब कुछ इसमें फिट होता है, डेटा वगैरह सब कुछ इसमें फिट होता है. तो पहले हम CPU को ऑन करेंगे तो हमारा मॉनिटर ऑन हो जाएगा. उसके बाद हम जो भी टाइप करेंगे वो हमारे मॉनिटर में आ जाएगा. ओके, तो कंप्यूटर मॉनिटर क्या लिखा है? MONITOR मॉनिटर. मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन. मॉनिटर जो होता है वो टीवी स्क्रीन की तरह होता है. तो मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन. इट शोज व्हाट एवर यू राइट यूजिंग द कीबोर्ड. आप कीबोर्ड की मदद से कुछ भी लिख सकते हो. 1 से 100 तक नंबर्स लिखते हैं तो 1 से 100 तक नंबर्स लिख सकते हो. आपको कोई एप्लीकेशन लिखनी हो तो वो लिख सकते हो कीबोर्ड की मदद से. कुछ भी आप लिख सकते हो. ओके, तो ये समझना है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले आता है मॉनिटर. तो मॉनिटर कैसा होता है? मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन. आप ये इसको लिख भी सकते हैं. तो मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन. इट शोज Whatever you write using the keyboard. आप कीबोर्ड का यूज करके आप मॉनिटर में कुछ भी लिख सकते हो. जो भी आपकी इच्छा है, एप्लीकेशन, नंबर्स, रैम, कुछ भी मतलब आपको लिखने की इच्छा है तो कीबोर्ड के यूज से आप लिख सकते हैं. ओके, तो ये क्या है? मॉनिटर. यू कैन वॉच, और इसके साथ साथ क्या होगा? यू कैन वॉच, और आप मूवीज भी देख सकते हैं. पूरा है मॉनिटर का. यू कैन वॉच कार्टून. यू कैन वॉच कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज ऑन इट. कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज. ओके, तो यू कैन वॉच कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज. और इसमें आप टीवी स्क्रीन जैसा होता है तो CPU में आप कोई भी सीडी, कार्टून फिल्म की सीडी डाल दोगे तो हमको मॉनिटर में क्या दिखाई देगा? कार्टून फिल्म दिखाई देगी. क्या दिखाई देगा? कार्टून फिल्म दिखाई देगी. ओके, तो CPU में क्या दिखाई देगा? कार्टून फिल्म दिखाई देगी. तो It shows whatever you write using the keyboard. You can watch का मतलब देख सकते हो. तो you can watch cartoon films and movies on it. Cartoon film या movie आप देख सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया है parts of computer में? Monitor. क्या आया है? मॉनिटर. तो मॉनिटर में क्या कहते हैं? मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन. मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन. इट शोज व्हाटएवर यू राइट यूजिंग द कीबोर्ड. आप कीबोर्ड का यूज करके कुछ भी टाइप कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो. यू कैन वॉच कार्टून फिल्म्स एंड मूवीज ऑन इट.
यू कैन वॉच कार्टून फिल्म एंड मूवीज ऑन इट, और आप कार्टून फिल्म या मूवीज भी देख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ, कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट है मॉनिटर, सेकंड पार्ट है कीबोर्ड। छोटी छोटी कीज बनी होती है, इसमें नंबर्स लिखे रहते हैं 1 2 3
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, कितने नंबर्स होते हैं? कैरेक्टर नंबर होते हैं। और नीचे जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होते हैं, जिनको हम टाइप करके हम मॉनिटर में कुछ भी लिख सकते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे ए एल, इसको हम क्या बोलेंगे? कीबोर्ड। क्या बोलेंगे? कीबोर्ड। ओके, आज हमने कंप्यूटर का क्या पढ़ा है? इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, ए कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर इज ए मशीन, ए मशीन इज मैन मेड थिंग्स। कंप्यूटर एक मशीन है जिसको किसने बनाया है? मैन ने बनाया। किसने बनाया है? मैन ने बनाया है। ओके, फिर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में उसका, अभी हमने टू पार्ट्स करे, फाइव पार्ट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के पार्ट्स याद कराऊंगी, अभी तब तक आप मॉनिटर और कीबोर्ड को अच्छी तरह लर्न बाय हार्ट कर लीजिए। कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कौन से हैं? मॉनिटर, जो लुक लाइक टीवी दिखता है, उसमें हम कीबोर्ड की हेल्प से कुछ भी टाइप कर सकते हैं। और फिर हम सीपीयू में अगर कार्टून की अदर मूवी की पिक्चर लगाते हैं, फिल्म लगाते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो मॉनिटर लुक लाइक ए टीवी। ओके, फिर सेकंड पार्ट उसका है कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या होता है? मैनी कीज होते हैं जिसमें नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं। ओके, तो अभी हमने कितने पार्ट्स याद किए हैं? टू पार्ट्स याद करें। ओके, तो अभी हम धीरे धीरे, पहले आप कंप्यूटर के डिफाइन याद करिए, उसके पार्ट्स याद करिए, फिर आगे के पार्ट्स याद करेंगे तो आपको अच्छी तरह कंप्यूटर आ जाएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।